थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंज करने से अगर किसी बॉडी के शेप में चेंज आए तो इसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हाई टेम्परेचर पर किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करते हुए उन पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस आ जाती है, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। मोस्टली मटेरियल्स गर्म करने पर फैलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। सॉलिड्स में एक्सपेंशन की 3 टाइप्स हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर टेम्परेचर चेंज करने से बॉडी की सिर्फ लेंथ में चेंज आए तो ऐसी एक्सपेंशन को हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। कंसीडर किया हमारे पास एक एल लेंथ की रॉड है। गर्म करने पर उसकी लेंथ में टाइम इंटरवल डेल्टा टी के दौरान डेल्टा एल का चेंज आएगा। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। Removing the proportionality sign, we get delta L equal to alpha L delta T, where alpha is proportionality constant. The unit of alpha is per degree centigrade or per Kelvin. Temperature में change की वजह से solid body के area में change को सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। लेट अस कंसीडर कि दिखाए गए रॉड का एरिया ए है। टेम्परेचर डेल्टा टी के दौरान उसके एरिया में डेल्टा ए का चेंज आएगा। मैथमेटिकली डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। The unit of beta equals to per degree centigrade or per Kelvin. और अगर टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से किसी सॉलिड बॉडी के वॉल्यूम में इजाफा हो तो ऐसी एक्सपेंशन को वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। लेट अस कंसीडर कि बॉडी का वॉल्यूम V था। टेम्परेचर डेल्टा T चेंज करने से उसके वॉल्यूम में डेल्टा V का चेंज आएगा। Mathematically, delta V is directly proportional to V delta T. Removing the proportionality sign, delta V equals to gamma V delta T, where gamma is proportionality constant and the unit of gamma is per degree centigrade or per Kelvin. हम अपनी डेली लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमिना को बहुत सी जगहों पर यूज़ करते हैं, जैसे बायोमेटेलिक स्ट्रिप को फर्नेसेस में टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और हॉट एयर बलून के ज़रिए से हम हवा में सफ़र कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स में रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और इंतहाई सर्द माहौल में आबी महलूक को जिंदा रखने के लिए, रोड्स को टूटने से बचाने के लिए, और किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। रोड्स पर नस्ब किए गए खंभों की तारों को इसलिए ढीला छोड़ा जाता है ताकि जब वो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट हों तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो टूट ना जाएं। मेटल के बनाए गए ब्रिज की एक साइड को फिक्स रखा जाता है और दूसरी साइड पर रोलर्स लगाए जाते हैं और कुछ स्पेस रखी जाती है ताकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ब्रिज को कोई नुकसान न पहुंचे। एक टाइटली क्लोज्ड वाटर बॉटल को जब गर्म किया जाता है
तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उसमें कुछ क्रैक्स पड़ जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स में थर्मल एक्सपेंशन को कंपनसेट करने के लिए गैप्स रखे जाते हैं। एक टाइटली क्लोज्ड बॉटल को अगर थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखा जाए तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो बहुत आसानी से खुल जाएगी। थर्मामीटर में यूज होने वाला मर्करी गर्म करने पर फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है। यही वजह है कि हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं। अब हम अपने आज के लेसन का रिव्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ गैमा? यस, द यूनिट ऑफ गैमा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड आर पर केल्विन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स? यस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। Why do objects expand or contract? Yes, objects expand or contract depending on the temperature. What are the three applications of thermal expansion? Yes, railway line, thermometer, hot air balloon. When an object is heated, does it expand or contract? Yes. Objects expand on heating while contract on cooling. So, are you ready to observe thermal expansion in your daily life?